कथक कला एक ऐसी कला है जिसमें बिना बोले नृत्य के द्वारा आप अपनी भावनाएं आसानी से व्यक्त कर सकते हैं और जिस नृत्य के जरिए हमारी कला और संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय पर पहचान मिली है। तो चलिए एक ऐसी ही नृत्यांगना से आपको रूबरू कराते हैं जो खुद इस कला में पारंगत हैं ही और हमें भी इस कला के बारे में जानकारी दे रही हैं। कथक राजस्थान और उत्तर भारत की नृत्य शैली है। ये बहुत प्राचीन शैली है। महाभारत में भी कथक का वर्णन है। मध्यकाल में इसका संबंध कृष्ण से कथा और नृत्य से था। भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से सबसे पुराना कथक नृत्य है, जिसकी उत्पत्ति उत्तर भारत में हुई है। नीलाक्षी उन कथक नृत्यांगनाओं में से हैं जिन्होंने इस कला के गुर सीखे। और आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की इस खूबसूरत कला को पेश कर रही हैं। आज के समय में युवा किस तरह से भारतीय कला और नृत्य से दूर होता जा रहा है और पाश्चात्य शैली को अपनाता जा रहा है, इस बारे में भी नीलाक्षी ने हमें बताया। ऐसा नहीं है कि कथक किसी नृत्य के या किसी और शैली या किसी विदेशी शैली के आने से इसमें हम आगे बढ़ावा नहीं देंगे या आगे ये बढ़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, आजकल के जो युवा पीढ़ी है उसमें इसके बारे में ज्ञान और जागृति जगाने की हमको बहुत ही ज़रूरत है, ताकि उनको इस चीज़ की भी समझ में आए कि हमारी अपना कल्चर क्या है। कथक नृत्य कैसे होता है ये तो हम सबको पता होगा, लेकिन इसकी बारीकियों के बारे में वही बता सकता है जो इस कला के बारे में बहुत ही गहराई से जानकारी रखता हो, जो हमें नीलाक्षी ने बताया।